सचमुच होती है दूसरी दुनिया? क्या सच होती है एलियंस की कहानी? क्या सच में धरती पर आती है उड़न तश्तरी? फिल्मों और कहानी में कही जाने वाली दूसरी दुनिया की कहानी क्या सच होती है? क्या धरती पर इंसानों से मिलने के लिए एलियंस आते हैं? क्या सच में होती है उड़न तश्तरियां? आए दिन वायरल होते उड़न तश्तरियों के वीडियो का आखिर सच क्या है? अब तक एलियंस को लेकर कई तरह के दावे किए जा चुके हैं। ज्यादातर दावे एलियंस के देखे जाने के हैं, लेकिन इनमें से किसी भी दावे की पुष्टि नहीं हुई। अब पाकिस्तान में एक वीडियो फुटेज इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक रहस्यमय चीज आसमान में उड़ती हुई दिखाई दे रही है। ये घटना पाक की राजधानी इस्लामाबाद की बताई जा रही है। UFO हंटर्स इसे एलियन गतिविधियों से जोड़कर देख रहे हैं। डेली स्टार की खबर के मुताबिक बर्मिंघम के अरसलान वाराइचो ने इस रहस्यमय त्रिकोणीय चीज को आसमान में उड़ते देखा, जो किसी काली धातु से बनी हुई प्रतीत हो रही थी। उन्होंने कहा, मुझे अभी तक नहीं पता कि वो क्या था। उन्होंने उसका करीब 12 मिनट का वीडियो बनाया है, दर्जनों तस्वीरें भी खींची हैं और करीब 2 घंटे तक उसे देखा। अरसलान ने कहा कि नंगी आंखों से देखने पर वो एक काले गोल पत्थर की तरह दिखाई दिया, लेकिन जब उन्होंने उसे जूम करके देखा तो पाया कि इसका आकार त्रिकोणीय है, जिसके शीर्ष पर एक उभार है। अरसलान ने बताया कि वो ठोस और काला था, जिसके किनारे नुकीले नहीं थे, उसमें से कोई लाइट नहीं निकल रही थी। आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में उड़ रही रहस्यमय वस्तु शहर के आसमान में बिना किसी गति के झूलती हुई नजर आ रही थी। इसके साथ ही इस वीडियो में आसमान में पक्षी भी उड़ते नजर आ रहे हैं, जिससे UFO और पक्षियों के बीच का फर्क साफ नजर आ रहा है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि उड़ने वाली ये रहस्यमय चीज चिड़िया तो बिल्कुल नहीं है। अरसलान का ये भी कहना है कि ये कोई कमर्शियल ड्रोन भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो खुद ड्रोन उड़ाते हैं। और इस बात का भी कोई मतलब नहीं है कि सेना एक रिहायशी इलाके के ऊपर खुफिया ड्रोन उड़ाएगी, जहां ज्यादातर सेना और सरकारी अधिकारी रहते हैं। UFO हंटर्स इसे एलियन से जोड़कर देख रहे हैं और इसके UFO होने का अनुमान लगाया जा रहा है। UFO को लेकर अमेरिका के सैन्य पायलट ने भी एक वीडियो जारी किया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में साउथ चाइना सी के ऊपर आसमान में दिख रही है। पायलट ने इस रहस्यमय चीज को UFO बताया है। अमेरिकन मिलिट्री न्यूज ने बताया कि इसे 4 दिसंबर को एक UFO ट्रैकिंग वेबसाइट पर रिकॉर्ड किया गया था। पायलट का कहना है कि वो नहीं जानते कि ये क्या है, ये कोई अजीब और गरीब चीज है। दोस्तों, आप वीडियो में देख सकते हैं कि आखिर तक ये चमकती हुई ये चीज बादलों में गायब हो जाती है। 53 सेकंड के इस वीडियो में 4 लाइट्स के 3 समूहों को देखा जा सकता है, जो बादलों के ऊपर लाइन से उड़ रहे हैं। ये देखने में किसी आम विमान की तरह नहीं लगते। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को लेकर एक यूजर ने कहा कि पहली नजर में ये कॉकपिट के कांच के रिफ्लेक्शन की तरह लगता है, लेकिन ये वो नहीं है। क्या ये सैन्य कार्रवाई हो सकती है? वहीं कई लोगों ने इसे लेकर UFO के दावे पर भरोसा जताया है, पायलट के साथ सहमति जताई है। इस वीडियो को लेकर कोई बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन इसे साउथ चाइना सी के चीन के सैन्य गतिविधियों से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि वहां ऐसा होता रहता है। एलियंस करते हैं जानवरों का अपहरण। दोस्तों, जहां एलियन देखे जाने की बात की जाती है, वहीं एक ऐसी घटना का दावा किया जा रहा है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। यह मामला मैक्सिको का है, जहां एक जनजाति के लोगों ने यह दावा किया है कि एलियन धरती पर आकर उनके जानवरों की चोरी कर ले जाते हैं। एंसन नाम के एक महिला ने कहा कि एक बार वो अपने 6 साल के बेटे के साथ घर जा रही थी, एक UFO आया और एक गाय को प्रकाश की किरण के साथ उठा ले गया। इसे देखकर वो स्तब्ध रह गई और कई घंटों तक अपनी कार रोककर सदमे में खड़ी रही, लेकिन ग्रे एलियंस ने उन्हें हिप्नोटाइज कर दिया और उन्हें किडनैप कर अपने साथ एक स्पेस क्राफ्ट पर ले गए, जहां उनके कपड़े उतार कर उनकी जांच की गई। मेरना ने एक कटी हुई गाय को भी देखा और अंदर मानव शरीर के कटे हुए अंगों वाले कंटेनर भी देखे। उन लोगों का दावा है कि इस बेस पर एलियंस आते जाते रहते हैं और वो उनकी गायों को अगवा कर उनके अंगों को काट देते हैं। इसके साथ ही उन्होंने अर्चुलेटा मीसा पर्वत से रोशनी की किरणें निकले और वहां से अजीबो गरीब आवाजें आने का भी दावा किया। न्यू मैक्सिको के जिकारिला अपाचे नेशन के लोगों का कहना है कि उन्होंने अंडे के आकार के रहस्यमय स्पेस क्राफ्ट भी देखे। दोस्तों, यह अफवाह 1970 के दशक से शुरू हुई थी और दशकों तक रही थी। और तो और, वहां के पुलिस डिटेक्टिव एवरी तफोवा का भी कहना है कि हमें भी इसका एहसास है कि वो यानी एलियन वहां है, पूरी दुनिया इसमें दिलचस्पी ले रही है।
क्या एलियंस करेंगे धरती पर हमला? 2022 की क्या सच होगी भविष्यवाणी? दोस्तों, ये तो थी एलियन देखे जाने की बात, लेकिन हम आपको ऐसी बात बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप सन्न रह जाएंगे, क्योंकि एलियन करने वाले हैं आप पर हमला। जी हाँ, एक टाइम ट्रेवलर ने कहा कि साल 2022 में एलियन धरती पर हमला करेंगे और इंसान और एलियन के बीच युद्ध होगा। ये राक्षस जैसे जीव 7 फीट लंबे होंगे और उनका रंग गहरा भूरा होगा। टाइम ट्रेवलर का कहना है कि जिसे आप एलियन कहते हैं वो साल 2022 में धरती पर आएंगे। इसका ठीक ठाक दिन 24 मई हो सकता है। इसके साथ ही समुद्र में डूबे मिथक शहर अटलांटिस की खोज हो सकती है। उनका ये भी दावा है कि धरती अंधेरे में डूब जाएगी और मिस्र के पिरामिड हवा में उड़ने लगेंगे। इन भविष्यवाणियों का तो पता नहीं कितनी सच होंगी, लेकिन क्या आपको सच में लगता है कि क्या इस दुनिया में एलियंस होते हैं?